मतलब जर्नी निकालना पड़ता है ना। ऐसे काटते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे 6:06 बजे, स्टार्ट हो रहा है आज मेरा ब्लॉग। जैसे कि पिछले वाले ब्लॉग पे देखा था, मैं आ गया था गाँव धारचूला से ऊपर चलना चलासू। तो देख सकते हो यहाँ का सुबह का नज़ारा, कुछ ऐसा सुबह सुबह हवा चल रही है और ठंडा भी है, बहुत ही प्यारा नज़ारा सुबह का यहाँ का। ऊपर को है पूरा गाँव। ये कुत्ता हमारे साथ कल गाड़ी में आया था धारचूला से। ये जंगल भी जाता है, मतलब यहाँ जंगल वंगल भी जाते रहते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो ये जंगल भी जाता है। वो है नीचे नदी, कल रात को बारिश आई थी तो थोड़ा पानी बढ़ गया उसका, देख सकते हो। गांव की लाइफ कुछ अलग ही रहती है शहर की लाइफ से, तो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे आपको गांव की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। तो अभी बना रहे छाछ मौसी हमारी, मट्टा ऐसे बनाते हैं गांव में। अच्छा, ये ऐसा पीते हैं। नहीं दिखा, तो वहाँ पर से दिखा भी थी। क्या कहते हैं इसे? मौसी उठ गई है चाय पी रही है। और ये पी रहे काढ़ा। तो अभी बनाया जा रहा है नाश्ता, मौसी बना दी रोटी हमारी। मौसी क्या बना रहे हो? बोल की नहीं रहे हो फिर आप? यह है चिमनी, चिमनी में बन रही रोटी। ये हमारी इसे ना, इसे क्या बोलते हैं उसे? चिमनी, चिमनी और पहाड़ी में भोकर बोलते हैं। भोकर भी बोलते हैं, पहाड़ी में भोकर बोलते हैं। पहाड़ में तो हिंदी क्या घूम रही है। ये साली रोटी मौसी और प्रीति ने बना रखी है। रोटी और क्या है, क्या बना रहे हो रे? ये सब्जी काय की सब्जी बना रही है? उधर ही जाके बना। हाँ जी, काय की सब्जी बना रही है? कटहल आलू शिमला मिर्च मिक्स करके बड़े। मौसी गए खेत में और निकाले आलू। अच्छा यूट्यूब आ रही है, ये वाला डालना है। अभी ऊपर ही तो आएंगे। ये आलू, इसमें सारा आलू बोल रखा है ना? अभी निकाल लें खाने के लिए आलू, देख सकते हैं। जड़ नहीं निकालना पड़ता है ना। ये है डोका, इसमें आलू। अभी आ रही ऊपर को मौसी। ये है आलू। ला गई मौसी आलू गोड़ के। और यहाँ पर बना रहे अचार आम को सुखा के। इसको अभी धूप पे भी सुखाएंगे ना? ना? इसको आने कैसे वीडियो बनाया जंगल का, उसमें देखो। कितने दिन सुखाएंगे? एक दो धूप डालेंगे बस। फिर उसके बाद अचार के लिए रेडी। अचार बनाएंगे।
टेस्टी टेस्टी चाय क्या बोला वीडियो दिखा दो जिसे मेरे चाय बनाया था जंगल में। तो अभी हम जा रहे हैं गाय बछड़ी को चराने। अब ये खोल रहा है गाय को, गाय बछड़ियों को, बैल को। ये है अप्पू भाई मेरा और वह ऋतिक भाई। अभी हम घर से आ गए ऊपर को, वो उधर पे अभी ऊपर को जाना है। नीचे गायों को बांधा था, अब ऊपर बैलों को बांधा है, वहां खोलने जा रहे हैं। इनको ऊपर क्यों बांधते हैं यार, ये अलग अलग आ गए। गायों का है नीचे और बैलों का इधर। ये घास कटाई चल रही है यहाँ, देख पहाड़ी काम सर छोड़ दिया, घास काट रही है। पहली बार लाइफ में। तीसरी कहाँ गई, वो नीचे है एक उधर पे। आ रहा है नहीं आ रहा है काटना? कैसे आ रही दीदी होते कभी। ये ऐसे काटते हैं। धनादन ये है गांव में रहने का फायदा। तो अभी चल रही है घास कटाई, घास काटने आ रखे हैं। भाई भी रेडी हो गया, सबका बना। इधर 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 देख के काटना। हाँ ये काट दी है घास, अभी अभी तो और काटनी है इसमें। चालाक काटो काटो, जोर से बोल। तो घास तो काटना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये है बेड़ू, अब हम बेड़ू खाएंगे। सरगम हेलो करते जमाई को भेजते हैं। तोड़ेंगे हरी सब्जी, दीदी तोड़ी हरी सब्जी। क्या कहते से जंकरा फाफड़ झंक, आप खाएंगे जंकरा की सब्जी, हरी सब्जी। वैसे गांव की लाइफ भी बहुत ही अलग है शहर की लाइफ से, हर कोई नहीं रह पाएगा गांव पे। तो अब आ रहे ऊपर से घास लेके, घास काट के। हाँ
डोका। अब चलते हैं घर की ओर को। चले घर की ओर, घास वास काट के गाय खोल के। ये अरे गोट में पहुंचाने नीचे वाले, और हम चलते हैं घर की ओर को। अब फिर उसके बाद जाना है नहाने, बढ़िया करके धारे पे नहाएंगे, दिखाते हैं आपको। अभी जा रहे हैं नहाने नौले, तो अभी वहीं मिलते हैं आपको। का कौवा कैसे करता है? मुंह भी तो वैसे कर रहे हैं। अभी हम नहीं नहीं करेंगे, बोलो। पूरा गांव यहाँ से वो ऊपर तक, टॉप तक। धूप में तो जा आ जाए, चौक साफ करके इसको। ये है धारा चलने, कपड़ा धुलाई, अभी धो रहे कपड़े, फिर मिलते हैं आपको। अभी मिलते हैं नहाने के बाद। पहुँच गए नहा धो के रूम पे, अब खाना भी बन गया तो खाना खाते फिर मिलते हैं। तो अभी टेंट लगा रहे हैं इधर पे, बताऊंगा क्यों लगा रहे हैं इधर पे टेंट, कल के लिए है ये टेंट। मौसम देख सकते हो, अभी बारिश हो रही है थोड़ी देर पहले। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है।